राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में देर रात जमकर हंगामा हुआ। अस्पताल के स्टाफ का आरोप है कि एक मरीज के परिजनों ने उनके साथ बदसलूकी की है। वहीं इस मामले में नर्सों ने पुलिस पर धमकी देने का आरोप लगाया है और घंटों तक हंगामा किया। दरअसल मालती साहू नाम की महिला बुधवार शाम को भर्ती कराया गया था। इस दौरान उसके कुछ ब्लड सैंपल नहीं लिए जा सके। इससे खफा परिजनों ने नर्सों के साथ बहस की और बात बढ़ गई। हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। इंदौर पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से हथियार भी जब्त किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए सभी आरोपी डकैती करने के लिए उज्जैन से इंदौर आए हुए थे और किसी पेट्रोल पंप को अपना टारगेट बनाने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे पाते, पुलिस को आरोपियों के इरादों की भनक लग गई और पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 5 बदमाशों को धर दबोचा।